खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। अशोकनगर नगर पालिका के जिम्मेदारों की लापरवाही से पूरे शहर के सभी वार्डों में लगभग 2 से 3 दिन ऐसी भीषण गर्मी के मौसम में पानी की सप्लाई बंद है। जहां देखो वहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जहां शहर का तापमान आसमान छू रहा है, चारों तरफ दिन के समय चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता है। पानी के लिए लोग हैंडपंपों पर लाइनों लगाकर खड़े, लेकिन हैंडपंपों में पानी नहीं आ रहा। ऐसे समय पर नगर पालिका द्वारा पूरे शहर में पानी सप्लाई बंद करना न्यायोचित नहीं है। जब इसका कारण जानने के लिए हमारी टीम पठार स्थित पानी की टंकी पर पहुंची, तो उनके कर्मचारियों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। नगर पालिका अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि शहर में पानी की हर समस्या के लिए सजगता से कार्य करें, किंतु ना तो उनके द्वारा टैंकर से पेयजल आपूर्ति करवाई, पानी की टंकी पर नल के संबंध में जानकारी लेते मोहल्लेवासी। अशोकनगर जिले से ब्यूरो वरुण कुमार भसीन के साथ रिपोर्टर राजीव लोधी की रिपोर्ट। नगर पालिका के जिम्मेदारों की लापरवाही से पूरे शहर में 2 दिन से पानी की सप्लाई बंद है, और जहां देखो वहां लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। जब हमारी टीम ने पठार स्थित पानी की टंकी का मुआयना किया, तो उनके द्वारा इस संबंध में कोई बात नहीं की और उल्टा नजरें हटाते हुए दिखाई दिए। नगर पालिका की पहली प्राथमिकता है कि पूरे शहर में पानी की सप्लाई दे। गर्मी का मौसम है, पानी की सबको जरूरत है, हैंडपंपों में पानी नहीं है। क्या समस्या हुई? कोई पानी नलों में आ नहीं रहा है, और उस समस्या के लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जल की कमी आ रही है। कौन से वार्ड से आए हैं आप? वार्ड नंबर 10 से, वाटर बॉक्स के पीछे ही खड़ा हूँ, मेरा मकान पीछे ही है। अच्छा, कब से पानी नहीं आ पा रहा? पानी लगभग 15 दिन से पानी नहीं मिल पा रहा। अच्छा जी, तो ये कर्मचारी क्या कह रहे हैं? अब वो यही बता देते हैं कि समस्या खराब है पानी की, समय समय पर ये जितना जुड़ जाते हो तो हम निकाल के दे रही थे पानी। अच्छा, तो कब तक आश्वासन दे रहे हैं, कब तक आएगा? अब ये कोई आश्वासन नहीं दिया, वो तो ये कह रहे हैं कि हम बस व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था करके भेजेंगे पानी। अच्छा, कोई संतोषजनक जवाब? कोई संतोषजनक जवाब नहीं। खबर समय जगत के लिए अशोकनगर से वरुण कुमार भसीन की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज़।